हेलो नमस्ते श्री अकाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक हेल्दी प्रोटीन से भरपूर ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसका नाम है मूंग दाल चीला विद स्टफ्ड पनीर। इसे घर में बनाना काफी आसान है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मूंग दाल चीला बनाने के लिए हमें इन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है, इसे आप नोट डाउन कर लें। मूंग दाल चीला बनाने के लिए आप 2 कप मूंग दाल को पानी में डालकर 6 से 8 घंटे या ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दें। 6 से 8 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हो कि मूंग दाल अच्छे से फूलकर तैयार है। तो आप इसे एक बार पानी से धो लें और इसे एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर लें। मूंग दाल को हमने पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और अब हम इसे ब्लेंडिंग जार में ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 पीस लहसुन की कलियां। आप चाहो तो यहाँ सूखे लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि दाल अच्छे से पीस कर तैयार हो जाए। और अब हम इसे बंद कर इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम जार ओपन करेंगे और आप देख सकते हो कि दाल बिल्कुल स्मूथ पीस कर तैयार है। और इस तरह की ही कंसिस्टेंसी की दाल हमें पीसनी है चीला बनाने के लिए। और अब हम पीसी हुई दाल को एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। और अब हम दाल में मसाले ऐड करेंगे, तो आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालें, नमक स्वादानुसार, आधी छोटी चम्मच हरा जीरा और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमने सारी सामग्रियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और हमें यहाँ पे बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा और वाटर ऐड करेंगे और इसे फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हो बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर तैयार करना है। अब हम फिलिंग तैयार करेंगे। हमने लिया है यहाँ पर 100 ग्राम होममेड फ्रेश पनीर, इसे हम एक बोल में ऐड कर लेंगे। अब हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 टेबलस्पून बॉइल्ड कॉर्न और 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। अब हम मसाले ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक या स्वादानुसार, आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे एक स्पून की हेल्प से। और अब आप देख सकते हो फिलिंग बिल्कुल तैयार है। और अब हम गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे, पैन को गर्म होने देंगे और इसे ऑयल ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम एक टिश्यू पेपर की हेल्प से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है पैन में उसे क्लीन कर लेंगे। और अब पैन अच्छी तरह से ग्रीस होकर तैयार है चीला बनाने के लिए। तो अब हम इसमें 1 स्पून चीला बैटर ऐड करेंगे और इसे सर्कुलर मोशन में गोल घुमाते हुए चीला बनाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से आप डोसा बनाते हो उसी तरह से आपको इस चीले को भी बनाना है। चीला को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक करना है। चीला हल्का सा सिक चुका है, तो अब हम इसके किनारों पे थोड़े थोड़े ऑयल स्प्रेड कर देंगे और थोड़ा सा ऑयल इसके टॉप पे भी हम स्प्रेड कर देंगे ताकि हमारे चीले बिल्कुल क्रिस्पी बनकर तैयार हो। और नॉन स्टिक पैन में आप काफी कम तेल में इन चीलों को बनाकर तैयार कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि
चीला हमारे नीचे से अच्छी तरह से सिककर तैयार है, तो अब हम इसे किनारों से हटाते हुए इसे पलटकर भी आधा मिनट के लिए सेक लेंगे। और अब हमारे चीले दूसरे साइड से भी सिककर बिल्कुल तैयार है, तो अब हम इसे पलट लेते हैं। आप देख सकते हो ये बिल्कुल प्रॉपर कुक हो चुका है, तो अब हम इसमें फिलिंग ऐड करेंगे। आप चाहो तो इस चीलो को प्लेन भी इंजॉय कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्टफिंग ऐड कर रही हूँ, जो हमने स्टफिंग तैयार की थी इसे सेंटर में डालकर हम इसे रैप कर लेंगे। और अब आप देख सकते हो कि चीले को हमने अच्छी तरह से फोल्ड कर लिया है और मूंग दाल चीला विथ पनीर स्टफ्ड बिल्कुल तैयार है। और इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम बाकी बचे हुए बैटर का भी बिल्कुल इसी तरह से चीला बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक स्पून आप बैटर सेंटर में डाले पैन की और उसे सर्कुलर मोशन में गोल घुमाते हुए इसका एक चीला तैयार कर लें। अगर ये चीले आप अपने बच्चों को सर्व कर रहे हो तो आप इसमें 1 टेबलस्पून टमाटो केचप डालकर इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर ले। आप चाहो तो अपने मनपसंद की भी चटनी यहाँ पे यूज कर सकते हो, जैसे कि सेजवान चटनी, हरी चटनी। और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड करके आप इसमें 1 टेबलस्पून पनीर की स्टफिंग डालें और इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। इस तरह से भी आप चीलों को बनाकर अपने बच्चों और परिवार वालों को सर्व कर सकते हैं। ये और भी ज्यादा टेस्टी लगेगी। और अब आप देख सकते हो कि हमने सारे चीले बनाकर तैयार कर लिए हैं। मूंग दाल चीला विद स्टफ पनीर को मैंने हरे धनिये की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो इसे अपने मनपसंद चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो। यह एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है जिसे आप अपने घर के बच्चों और बड़ों दोनों को ही सर्व कर सकते हो। और ये काफी कम तेलों में बनकर तैयार होती है और ये टेस्टी होने के साथ साथ प्रोटीन से बिल्कुल भरपूर ब्रेकफास्ट है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो कि आप नेक्स्ट रेसिपी क्या देखना चाहते हो। So have a great day and bye-bye.